आकाशवाणी केंद्र बाड़मेर से कि आप आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करें और कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्री धनराज जी व्यास एडीपीसी सर्व शिक्षा बाड़मेर से निवेदन करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करें और इस कार्यक्रम के विशिष्ट आतिथ्य के लिए मैं तेजदान जी सरपंच ग्राम पंचायत साता और सेठ जी श्री मोहन जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार है। क्योंकि अपना ये कार्यक्रम विधिवत रूप से अपन ये शुरू कर रहे हैं और वैसे अपने हिंदू संस्कृति में ये परंपरा है कि हम अपने ईष्टों की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ईष्ट हमारे हृदय में है, हमारे मन में है और चूंकि ये एक शिक्षा का केंद्र है और हमारे शिक्षा की देवी सरस्वती जी है, सरस्वती जी प्रातः 5 बजे से ही हमारे जब दिन उदय होता है तब से साथ में है। लेकिन आज का ये विशेष कार्यक्रम होने के साथ साथ एक और कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री शिक्षा सम्मेलन अभियान। इस कार्यक्रम में किसी भी सरकारी विद्यालय गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को हम तिलक लगाकर सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आज जो नव प्रवेशी बच्चियां जो आज नव प्रवेश ले रही है इस विद्यालय में उनका तिलक लगाकर बॉडी बांध के स्वागत करें। आप एक एक बच्ची कोई कॉपी वगैरह कहीं वह तो थोड़ी एक एक साथ चल रहा है। तो मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करें, माल्यार्पण करें। से मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय बाड़मेर जिले के 6 ब्लॉक में चलता है और चूंकि नया सत्र है, जुलाई से अपना ये नया सेशन चालू होगा, परिक्षेत्र के इलाके में प्रिपरेटरी कैंप हर साल लगाते हैं। प्रिपरेटरी कैंप का मतलब होता है लोगों आम आदमी को इस प्रोजेक्ट की जानकारी देना और उस कैचमेंट एरिया से जो इस स्कूल के योग्य बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन बच्चियों को इस छात्रावास से जोड़ना। अब लोग सोचते होंगे कि भाई ये एक ऐसा बिल्डिंग है वहाँ पे केजीबी पढ़ते हैं, करते पता नहीं क्या है केजीबी, क्या वहाँ का सिस्टम है, पैसे लेते होंगे, कोई फीस होगी सरकार की, ऐसा कुछ भी नहीं है। केजीबी का मतलब है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीबीवी। कस्तूरबा गांधी नाम कैसे पड़ा? महात्मा गांधी का नाम अपन ने सबने सुना है। महात्मा गांधी भारत के क्या थे? राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी के नाम पे इस विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी विद्यालय पड़ा और ये उन इलाकों में खोली जाती है जहाँ पे बच्चियों बालिकाओं का पढ़ने का प्रतिशत है वो कम होता है, राष्ट्रीय प्रतिशत से कम होता है। वहाँ पे बाड़मेर जिले में 6 ब्लॉक चिन्हित किए गए, 6 जगह चलती है, बाड़मेर, बायतू, चौहटन, बालोत्रा और सिवान और शिव, इन 6 ब्लॉक में ये चलती है। और ऐसी छात्राएं जो रेगुलर स्कूल नहीं जाती हो, जो ड्रॉप आउट का मतलब पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दी होता है, थोड़ी सी बच्ची बड़ी होती है अपन कहते हैं हमें कहीं करना पढ़ाई, 5वीं हो गई ठीक है, मैं गौना चरेला कहते हैं ना ऐसा। तो ऐसी बच्चियां जो घर पे बैठी है, ड्रॉप आउट हो गई है, या ऐसी बच्चियां जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो 5वीं 6ठी के लायक है उम्र में लेकिन कभी स्कूल ही नहीं की, नेवर एनरोल्ड कहते हैं उसको, कभी नामांकित नहीं होने वाली या ड्रॉप आउट बीच में छोड़ने वाली, उन बच्चियों को हम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश देते हैं और इन बच्चियों को ये यहीं पे रखते हैं, आवासीय विद्यालय पूरा। इनको सुबह 5 बजे उठा के स्नान पानी दैनिक क्रियाक्रम जो होता है उसे निवृत्त करवा के इनको खिलाते हैं। सुबह सुबह व्यायाम सत्र होता है, फिर प्रार्थना सत्र होता है, श्लोक दोहे प्रार्थनाएं गीत राष्ट्र देशगान ये सब हम करवाते हैं। उसके बाद में इनको चाय नाश्ता दूध जो भी है सरकारी सुविधा वो देते हैं। इनका ड्रेस की व्यवस्था यहाँ पे है, बिस्तर की व्यवस्था यहाँ पे है, खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पे है, दवाई की निःशुल्क व्यवस्था है,
कोई कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, मान लो कोई बीमार ज्यादा पड़ जाए तो उनके हॉस्पिटल में लाने ले जाने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था हम अपने आप करते हैं। यानी इन बालिकाओं की पूरी घर की तरह इनको माहौल देके पूरी देखरेख करते हैं। साथ में इनके पास में जो स्कूल होता है उसमें ये रेगुलर हम वहाँ भेजते हैं। स्कूल टाइम में स्कूल पढ़ती है, उसके बाद में इस हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल में भी सुबह और शाम कोचिंग क्लासेज, ये जो हमारे एक वार्डन और अध्यापिका जो लगाई हुई है वो इनकी कोचिंग क्लासेज लेती है। इनको पूरा सेशन रात्रि चेतना सत्र वगैरह करवाती है, शाम को खेल सत्र करवाती है, शाम को बालिकाएँ खेलती है और पौष्टिकतापूर्ण इनको आहार दिया जाता है। मतलब सुबह से लेके रात, सुबह उठती है बच्ची तब से लेके रात को सोने तक की संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें खाना पीना पढ़ना उठना बैठना ओढ़ना पहनना सब व्यवस्था राज्य की अपनी सरकार करती है। बच्चियों के अभिभावकों से हम कुछ भी फीस नहीं लेते हैं, बच्चियों के घरवालों से कोई पैसा नहीं लेते हैं, खाने पीने का कपड़ों का बिस्तर का सब खर्चा सरकार का। इतनी बढ़िया व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से है। तो हमारा निवेदन ये रहता है कि इस विद्यालय में आप अपनी बच्चियां घर पे जो विद्यालय छोड़ के बैठी है उनको इसमें प्रवेश दिलवाएं और अपनी बच्चियों का भविष्य संजोएं। ये केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होती है और पूरे देश में ऐसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय लगभग 400 450 विद्यालय और अब और नए प्लान में 200 विद्यालय और खोलने जा रही है केंद्र सरकार। इस नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पे इन विद्यालयों का शुरुआत की गई है और सरकार को बहुत अच्छी सफलता मिली है और आप लोगों का भी रेस्पॉन्स अच्छा है। आप लोग इन पे विश्वास, ऐसी व्यवस्था पे विश्वास करके बच्चियों को भेजते हो और हमारी ये जो यहाँ पे वार्डन और टीचर है ये भी बड़ी मतलब जुझारू है। कई बार ऐसे कष्ट होते हैं, अब आधी रात हो गई कोई बच्ची बीमार पड़ गई कहाँ जाए, ये भी लेडीज है बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये हिम्मत लगाए बैठी है और इन बच्चियों की देख रेख कर रही है। धन्यवाद की पात्र है ये, इनसे संबंधित SDMC BRCF चौटन के माध्यम से ये सब काम होता है हमारे जिला कार्यालय द्वारा, DPC ऑफिस जिसको कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान का। तो ये पूरी स्कीम है, ये एक योजना है और भी जो बारीकी जानकारी है वो श्री धनराज जी व्यास देंगे। अब मैं निवेदन करूँगा चुन्नी, यहाँ की वार्डन चुन्नी चौधरी से कि वो इस हॉस्टल के बारे में और यहाँ यहाँ के जो कार्यकलाप होते हैं उसके बारे में, एजुकेशनल और को एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ सह शैक्षिक गतिविधियाँ जो आप करवाती है उसके बारे में हम सब